इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं क्विकली आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिवीजन करवाता हूँ वेरी क्विकली एंड देन वील गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली आपने दो टाइप के इंडक्टेंस सीखे हैं, एक है सेल्फ इंडक्टेंस, एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ इतना होता है कि आपके पास एक सिंगल कॉइल होती है, इस सिंगल कॉइल में से जब आप करंट वेरी करते हो, क्योंकि जब करंट पास होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा और इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स पता है आपको, लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू इट। तो जब हमने कॉइल में से करंट वेरी किया तो करंट वेरी करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुआ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और ये जो फ्लक्स है ये कॉइल का खुद का फ्लक्स खुद के साथ लिंक्ड है। तो जब भी खुद का फ्लक्स खुद के साथ लिंक्ड है और वो चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें यू हैव वन कॉइल, यू हैव अनदर कॉइल। आप एक प्राइमरी कॉइल के साथ सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी कनेक्ट करते हो, मतलब एक की है इसको आप बोलते हो प्राइमरी कॉइल और दूसरा कॉइल के साथ आप सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इस चेंज बोल रहा हूं, हम यहां पे सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा हो रहा है कि प्राइमरी में करंट चेंज हुआ उसकी वजह से प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ भी लिंक था, वो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी लिंक था। तो प्राइमरी में करंट चेंज किया तो सेकेंडरी के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हुआ। हमने इस केस में देखा था दैट द फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। फिर हमने बोला था फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी इज इक्वल टू एम इनटू करंट इन द प्राइमरी, इसको बोला था हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस केस इन द सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा ऐसी बात कर रहे थे हम, ये था माइनस डी आई पी बाई डी टी, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है दैट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स या बिटवीन टू कॉइल्स। मतलब अभी मेरे पास प्राइमरी कॉइल है जिसको मैं कॉइल वन बोल रहा हूँ और सेकेंडरी कॉइल है जिसको कॉइल टू बोल रहा हूँ मैं। तो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है, कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, राइट। तो जस्ट टू टेल यू कि हमको आज क्या सीखना है, वी विल बी लर्निंग व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स। सो वी वांट टू सी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स, between two circuits or two coils, whatever you want to say. Okay. Then, as I told you, the coefficient of coupling, इसको हम लोग KSA denote करेंगे, capital KSA, is a measure of, it measures, ये क्या measure करता है कि कितना portion flux का, किसके flux का, देखो इट इज अ मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ कॉइल वन दैट रीचेस कॉइल टू। मतलब पहले कॉइल का कितना फ्लक्स सेकेंड के साथ लिंक्ड है उसका ये मेजर है, दैट्स इट सिंपल लैंग्वेज में, राइट।
हमें क्या पता है, हमें ये पता है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी, सेकेंडरी को कॉइल क्या होता है, कॉइल टू बोला था हमने, मैंने अभी बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी ड्यू टू फ्लक्स ऑफ प्राइमरी. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल ई टू वन इज प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट ई टू वन, राइट? गुड. देन व्हाट एल्स वी नो, हमको ये पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल टू ड्यू टू वन और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल इन जनरल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल. क्योंकि मैंने बताया था अगर सेकेंडरी कॉइल में ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो हर एक टर्न के साथ, हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक्ड है, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा. मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, बट इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी. क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा फ्लक्स होगा तो भी ज्यादा फ्लक्स है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में सेकेंड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो भी ज्यादा फ्लक्स है सेकेंडरी में, राइट? गुड. तो नाउ हमको और एक चीज पता है, प्राइमरी में फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. मतलब अभी मैं करंट पास करूंगा तो करंट क्या करेगा, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी में फर्स्ट कॉइल में, उतने ज्यादा बार करंट सर्कुलेट होगा, मतलब उतना ज्यादा फ्लक्स होगा. गुड, राइट? तो प्राइमरी में कितना फ्लक्स है वो कौन डिसाइड करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करता है. मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं इन दोनों को कंबाइन करके दैट E21 is proportional to N1 N2, है ना, क्योंकि N2 था ही, 5 is proportional to N1, very good. मतलब इसको और इसको कंबाइन करके मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, दैट इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू N1 N2 N2, राइट? गुड. देन अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने जब इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ डिराइव किया था तो हमने लिखा था म्यू जीरो एन स्क्वेयर आई, ऐसा कुछ एक इक्वेशन था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक दिस. मेरा बोलने का मतलब ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वॉज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ. इसका मतलब इन शॉर्ट इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? इसका मतलब n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n, इसका मतलब n1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l1 एंड n2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l2. इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस विच वॉज प्रोपोर्शनल टू n1 n2, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l1 अंडर रूट ऑफ l2. सो आई कैन राइट दिस m एज, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन एंड कॉइल टू. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं के, वेल के इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ओके, राइट? मैं रिपीट करूंगा बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, नाउ फिर हम लोग सेकेंड टाइम में देखेंगे. और देन अब ऐसा है कि देयर आर केसेस, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू अगर वन है
तो हम लोग बोलते हैं द टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड, टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू 0.5 से ज्यादा बट 1 से कम है तो हम लोग बोलते हैं टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड। के इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि ऐसा बोल सकते हो आइडियली कि जितना भी फ्लक्स 1 ने जनरेट किया, फर्स्ट कॉइल ने जनरेट किया, उसका मैक्सिमम पोर्शन सेकंड के साथ लिंक्ड है। K की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर मतलब टाइटली कपल्ड, मतलब कॉइल 1 ने जितना भी फ्लक्स जनरेट किया उसका 50% से ज्यादा कॉइल 2 के साथ लिंक्ड है, ऐसा बोल सकते हो, राइट। देन अगर K की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो आप बोलते हो टू कॉइल्स आर लूजली कपल्ड, राइट। मतलब लेस देन 50% ऑफ फ्लक्स जनरेटेड बाय कॉइल 1 इज लिंक्ड विद कॉइल 2, ऐसा बोल सकते हो रफली, राइट। गुड, तो दिस वाज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो लेट अस रिपीट अगेन, और इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को आपको दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के साथ रिलेशन उसका जनरेट करना है। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू फ्लक्स ऑफ फर्स्ट, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज बेसिकली इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, राइट। देन व्हाट वी नो इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ड्यू टू फर्स्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा, राइट। और इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू हाउ मच फ्लक्स इज देयर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल। बट हमको यह पता है कि फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, क्योंकि पहली कॉइल में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा भार करंट मतलब करंट सर्कुलेट होगा, और जितना ज्यादा करंट सर्कुलेट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। मतलब इन शॉर्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 इज प्रोपोर्शनल टू N2 एंड N1, राइट। गुड, सो इफ आई कंबाइन दीज टू पर्टिकुलर इक्वेशंस आई गेट M इज प्रोपोर्शनल टू N2 N1। बट व्हाट वी नो इज सेल्फ इंडक्टेंस L of any coil is proportional to number of turns, square of number of turns in that coil. मतलब number of turns is proportional to under root of self inductance. मतलब number of turns in primary, मतलब first coil is proportional to inductance of first coil, and number of turns in secondary is proportional to this. इसका मतलब ये होता है कि E21 is proportional to under root of L1 into L2. मतलब M is proportional to L1 into L2. तो I can write this as M is equal to some constant K which is called as coefficient of coupling between the two coils into L1 L2 का root. So अगर K की वैल्यू 1 तो वी से दैट बोथ द कॉइल्स आर टाइट, बोथ द कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड। अगर K की वैल्यू 0.5 से ज्यादा तो वी से दैट बोथ द कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड।
इफ ए की वैल्यू 0.5 से कम तो वी से दैट टू कॉइल्स आर लूजली कपल्ड. ओके गुड इनफ. तो अभी हम जितना सीखे हैं वी विल नोट इट डाउन. और इजी है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस टॉपिक. इट इज सिंपल सिंपल. ओके गुड. सो पहले तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, व्हाई डू वी नीड इट, पहले तो वो बता देते हैं. सो द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग capital K is a measure of the portion of flux that reaches coil 2 which is near to coil 1. Okay, so measure of portion of flux due to 1 which reaches coil 2, simple language mein, right? Okay, so jitna jyada coefficient of coupling hoga utna zyada mutual inductance hoga. So the greater is the coefficient of coupling, the greater will be mutual inductance. The greater is the coefficient of coupling, the greater will be mutual inductance. Okay, we know that हमको पता है mutual inductance M is proportional to E to 1 where E to 1 is the EMF induced in coil 2 due to flux of coil 1. Okay, right. But as we know, as for equation number 1 bol deta hu, but also EMF induced is proportional to number of turns is proportional to number of turns in the coil. Therefore, you can say that E21 is proportional to N2 and also Φ1. Okay. But Φ1 is proportional to number of turns in 1. Therefore, E21 is proportional to N2N1, equation number 3. So, likh dena yahan pe where N1 number of turns in first coil, in coil 1, and N2. Is number of turns in coil 2.
ओके राइट. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 व्हाट वी कैन से इज m is proportional to E21 and E21 is proportional to N2N1. Therefore, m is proportional to N2 into N1, equation number 4. Right, good enough. Then, also, what we know is, जैसे मैंने आपको बताया, L is proportional to N square, therefore N is proportional to root of L, therefore N1 is proportional to root of L1, and N2 is proportional to root of L2. So इसको मैं बोल देता हूँ, let us say equation number 5. So from 4 and 5, equation 5, therefore from 4 and 5, what we can do is m is proportional to under root of L1 into under root of L2. Therefore, m is equal to some constant k under root of L1 into under root of L2, where k is coefficient of coupling. K is constant of proportionality called as coefficient of coupling. Right. So then, case 1. If K is equal to 1, if K is equal to 1, then the two coils are said to be perfectly coupled. Second, if K is less than 1 and greater than 0.5, so if the value of k is greater than 0.5 but less than 1, then the two coils are said to be tightly coupled. And if the value of k happens to be less than 0.5, then the two coils are said to be loosely coupled. All right, so this is all about coefficient of coupling. Now we are entering into the last theoretical part of this chapter, that is transformer. And transformer is basically based on mutual induction. और बहुत easy है, आपने बहुत जगह पे transformer देखे होंगे, रोड साइड पे इलेक्ट्रिक का जो डीपी होता है वहां पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं. तो पहले तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है. सो लेट्स हैव अ लुक एट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस. तो व्हाट डू वी हैव इज, पहले तो एक यहाँ पे आयन कोर होता है इसमें. So you have an iron core something like this,
Anyways, so you have an iron core, more or less like this. ऐसा आयन कोर है, इस पे होता है वाइंडिंग. सो यू हैव वाइंडिंग ओवर हियर. लेट मी जस्ट मॉडिफाई लिटिल बिट बिकॉज वी नीड टू शो लिटिल मोर नंबर ऑफ टर्न्स. तो मैं सिर्फ इसको ऐसा कर देता हूं. राइट. तो इसके ऊपर आपके पास दोनों साइड पे वाइंडिंग है. सो यू हैव वाइंडिंग ऑन टू साइड्स. सो यू हैव वाइंडिंग ऑन दिस साइड इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी, क्योंकि मैं यहां से सप्लाई देने वाला हूं. इसको इनपुट कॉइल भी बोलते हैं. सो दिस इज प्राइमरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट कॉइल, प्राइमरी कॉइल. इनपुट क्योंकि आपको याद है कि हम लोग प्राइमरी पे बैटरी लगाते हैं, सो इट इज इनपुट कॉइल. देन यहां पे आपके पास सेकेंडरी कॉइल है. और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कैन बी मोर और लेस कंपेयर टू सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन द यूज. तो प्राइमरी में या सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स सेम ही होंगे, ऐसा नहीं होता है. हो भी सकता है, नहीं भी सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द यूज. सो सेकेंडरी कॉइल मे हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू प्राइमरी, और सेकेंडरी में हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू प्राइमरी, ऐसा भी सकता है. सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड एज आउटपुट कॉइल. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ विच यू विल आल्सो अंडरस्टैंड. देखो हमारे घर में जो सप्लाई है वोल्टेज, वो 220 वोल्ट का सप्लाई होता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 220 या 240 होता है वो. ओके और हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल 400 वोल्ट पे ही वर्क करेंगे. मतलब इनपुट वोल्टेज कम है लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए वोल्टेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है. तो हमको वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. हमारे पास सप्लाई सिर्फ 220 वोल्ट था, है ना, बट हमको 400 वोल्ट रिक्वायर्ड है. तो ऐसे केसेस में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ज़्यादा कर देते हैं प्राइमरी से. उसको बोलते हैं स्टेप अप, क्योंकि स्टेप अप क्यों, 220 से 400 वोल्ट लेके गए हम लोग. स्टेप अप. इनपुट कहाँ दिया, प्राइमरी. मतलब प्लग कहाँ लगाया आपने, पिन कहाँ लगाया जो आपके पास सप्लाई आता है उसमें, राइट. और आउटपुट कहाँ लिया, सेकेंडरी. इसलिए प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल बोलते हैं और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल बोलते हैं हम लोग, राइट. गुड. देन उल्टा भी होता है. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी हैं कि जो 220 वोल्ट से कम सप्लाई रिक्वायर्ड है, 100 वोल्ट फॉर एग्जांपल, है ना, मोबाइल चार्जर्स अगर आप बोलोगे, तो दे नीड लेस वोल्टेज. तो हमको स्टेप डाउन करना पड़ेगा. मतलब सप्लाई 220 का हमको 100 पे लेके जाना पड़ेगा. तो उस केस में प्राइमरी के कंपेयर में सेकेंडरी में टर्न्स कम होंगे, तो टर्न्स इन द सेकेंडरी विल बी लेस, राइट. तो हम मोर और लेस हर एक इंस्ट्रूमेंट में ये यूज करते हैं ट्रांसफार्मर. फिर आप बोलोगे कि हम कहाँ यूज करते हैं, हम तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा लगाते नहीं है ना, ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि नहीं. तो वो डिवाइस के अंदर होता है इनबिल्ट. अगर आप मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हो तो खोल के देखोगे तो अंदर वो छोटा ट्रांसफार्मर होता है, वो इनबिल्ट होता है. ओके, दैट इज इनबिल्ट इन. गुड. देन व्हाट डू वी नो. फर्स्ट हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर एनपी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर एनएस. ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए बिकॉज जैसे ही मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया या फिर करंट सर्कुलेट किया, तो जो भी फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी थ्रू दिस आयन कोर। ये आयन कोर के थ्रू ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है। सो द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल थ्रू दिस आयन कोर। ओके, सो फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी थ्रू आयन कोर। मतलब एनी चेंज इन करंट इन द प्राइमरी विल चेंज द फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी एंड दैट विल चेंज द फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो देयर विल बी इंडक्शन ऑफ कोर्स, राइट? बाय द वे वी टॉक अबाउट दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब और हमको ये पता होना चाहिए फ्लक्स जनरेटेड बाय प्राइमरी जो मैंने यहां बताया है, दिस फ्लक्स इज फाई, दिस इज आयन कोर, और जो फ्लक्स है दैट फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। और फ्लक्स क्यों आ रहा है? फ्लक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि करंट आपने प्राइमरी में सर्कुलेट किया था, तो फाई फ्लक्स जो है वो प्राइमरी का फ्लक्स है, प्राइमरी ने जनरेट किया हुआ फ्लक्स है। बट फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी, मैंने जैसे बताया था फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू फ्लक्स फाई, करेक्ट? तो ये जो फाई फ्लक्स मैं बता रहा हूं ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस, अंडरस्टैंड, दिस फाई फ्लक्स इज फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। एक टर्न के साथ अगर फ्लक्स फाई है तो टोटल एनपी टर्न के साथ कितना होगा? एनपी फाई, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू फ्लक्स विद ईच टर्न, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कितना हो गया? 5p। सिमिलरली टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल कितना हो गया? ns इनटू 5, ns इनटू 5, करेक्ट? गुड। अब एज सून एज द फ्लक्स फाई चेंजेस, 5p and 5s changes, जैसे ही phi, flux phi, that is flux with each turn, एक turn के साथ कितना flux है, वो change हुआ, तो total flux linked with primary 5p and 5s will change, मतलब EMF will be induced, so there will be induced EMF minus d phi p by dt and d phi s by dt. Okay, then this is equal to E is equal to 5P is NP into 5 and ye aa gaya EMF induced in primary, EMF induced in secondary, ye aa gaya minus DDT of NS into 5. Therefore you will have EP is equal to माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है तो आउटसाइड डी फाइव बाई डी टी, और ई एस इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, करेक्ट? तो इफ आई डिवाइड दीज टू मुझे मिलेगा ई एम एफ इंड्यूस इन सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी एज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी। ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और ये जो रेशियो आया है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो।
ओके गुड. देन एज यू ऑलरेडी नो और इफ यू डोंट नो आई टेल यू, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कोई भी चीज जब आप आइडियल बोलते हो तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इनपुट में मैंने जितना पावर दिया है, मतलब मैंने प्राइमरी में जितना पावर इनपुट किया है उतना ही मैं सेकेंडरी से आउटपुट एक्सपेक्ट करूंगा. तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. एक पावर क्या होता है, ई इंटू आई, हम ऑलरेडी जानते हैं. इनपुट किसमें दिया था, प्राइमरी, तो ईपीआईपी इक्वल टू ई एस आई एस, वेयर आई पी इज करंट इन द प्राइमरी एंड आई एस इज करंट इन सेकेंडरी. मतलब ईपी या फिर ई एस अपॉन ईपी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस. तो मैं ये इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को यूज करता हूं अगर, तो वॉट आई गेट इज ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस. ओके गुड. देन अब जैसे मैंने आपको बताया स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स, मैं इस रिलेशन को कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज पे बिकॉज वी नीड सम स्पेस. केस वन जिसको हम लोग स्टेप अप बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो व्हाट डू आई सी फ्रॉम हियर, व्हाट डू आई सी फ्रॉम हियर इज कि एन एस अपॉन एन पी इज ग्रेटर देन वन, बट एन एस अपॉन एन पी इज ई एस अपॉन ई पी. तो इसका मतलब होता है कि ई एस अपॉन ई पी भी ग्रेटर देन वन है, मतलब सेकेंडरी में जो आउटपुट वोल्टेज ई एम एफ मिल रहा है वो प्राइमरी से ज्यादा है. तो मैंने आपको बताया था 220 वोल्ट को अगर 400 करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए, राइट है ना, हो गया. सो स्टेप अप हो गया, राइट, स्टेप अप हो गया. हमारे पास सप्लाई में 220 वोल्ट था, हमको 400 मिल गया यहां से. लेकिन यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, है ना. क्यों, क्योंकि जब आप ये रिलेशन देखोगे तो यहां से आपको मिलेगा ns अपॉन np ग्रेटर देन 1, मतलब ns ग्रेटर देन np, विच विल मीन करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन करंट इन द प्राइमरी. मतलब वोल्टेज तो स्टेप अप हो गया लेकिन करंट की वैल्यू सेकेंडरी में प्राइमरी के कंपैरिजन में कम है. तो दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन मतलब मेरे पास सप्लाई 220 वोल्ट है और मुझे चाहिए 100 वोल्ट, तो मैं सेकेंडरी में टर्न्स जो है प्राइमरी के कंपैरिजन में कम रखने वाला हूं. तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी में ईएमएफ प्राइमरी के कंपैरिजन में कम, सो ईएस इज ग्रेटर देन ईपी, बट करंट विल बी हाई, सो सेकेंडरी करंट इज ग्रेटर देन प्राइमरी करंट. तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट, गुड. तो सिंपल केस, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कुछ नहीं है, एक आयरन कोर है और उस पे दो एंड्स पे वाइंडिंग है. ये जो आयरन कोर है ये क्या काम करेगा, जब मैंने प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट सर्कुलेट किया, सप्लाई लगाया प्राइमरी को, तो करंट सर्कुलेट होगा, करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी ने जनरेट किया था उसको सेकेंडरी तक लेके जाना है, दैट इज द रोल ऑफ आयरन कोर. तो आयरन कोर विल मेक श्योर दैट द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी. मैंने मान लिया कि हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक इज पाई, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी इज एनपी फाई, बिकॉज एनपी इज द नंबर ऑफ आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, एंड टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज एनएस फाई, वेयर एनएस आर द नंबर ऑफ टर्न्स विद सेकेंडरी. अगर करंट चेंज हुआ प्राइमरी में तो फ्लक्स चेंज होगा फाई, अगर फाई चेंज हुआ तो फिर
ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईपी इज माइनस एनपी डी फाइव बाई डीटी एंड ईएस इज माइनस एनएस डी फाइव बाई डीटी। तो जब मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो मुझे ईएस बाई ईपी मिलता है, दैट इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी। तो ईएस बाई ईपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, और एनएस बाई एनपी इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब ईपी आईपी इक्वल टू ईएस आईएस, गुड इनफ। तो हमको मिल गया इन शॉर्ट ईएस अपॉन ईपी इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी इक्वल टू आईपी बाय आईएस। तो दो केसेस, एक अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो हम उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी में ईएमएफ प्राइमरी से ज्यादा है लेकिन करंट कम है। और सेकेंड केस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन प्राइमरी, तो सेकेंडरी में ईएमएफ कम है लेकिन करंट ज्यादा है। राइट, गुड, सफिशिएंट फॉर टुडे। तो इन द नेक्स्ट सेशन ये हम लोग एक बार फटाफट से रिवाइज करके हम लोग इसको लिख लेंगे, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट टॉपिक, थ्योरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।